नौकरी कब देंगे हम? हाँ बोलो, रोजगार को लेकर कब? इतनी महंगाई हो गई, 5,000 की सैलरी में कुछ नहीं कर सकते हम? हमारे बच्चे ना पढ़ सकते ना खा सकते हैं 5,000 के अंदर, और अब तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, तो क्या इन्हीं में चलती रहेगी क्या जिंदगी हमारी? ठीक है, हमारे लिए तो जो कुछ कर देगा हम तो उसके लिए खुश है, जो अच्छा करेगा हमारे हम उसके लिए खुश है, उसी के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं लड़ते हैं। महिला महिला के बारे में सोचेगी, सोचेगी ना, किसी के आदमी किसी के रोजगार नहीं होते, 5,000 पूरे महीने के बेचाएंगे तो फायदा मिलेगा ना, पैसे हाथ में आएंगे तो फायदा देखेंगे। उन्होंने कहा महंगाई तो बहुत ज्यादा है, इतना तो कमाते नहीं है, इतना तो महंगाई खा रही है। अच्छा अभी मौजूद है जयपुर में और ये चाय की दुकान है, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं चाय पीते हुए नजर आ गई तो लगा कि चलो बात कर लें और चुनावी माहौल जान लें कि क्या है राजस्थान में, वर्तमान सरकार से खुश हैं कि नाराज हैं। गहलोत जी ने वादा भी कर लिया है 10,000 रुपए देने का, तो ये चुनावी इनको स्टंट में फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। गहलोत जी नौकरी कब देंगे हमें? हाँ बोलो, रोजगार को लेकर कब? इतनी महंगाई हो गई, 5,000 की सैलरी में कुछ नहीं कर सकते हम? हमारे बच्चे ना पढ़ सकते हैं ना खा सकते हैं, 5,000 के अंदर हम क्या करें बताओ आप? 5,000 ठेके की नौकरी हमारी, तनख्वाह बढ़ाएंगे। क्या कह रहा है? पहले तो बोल दिया तनख्वाह बढ़ाएंगे, और अब तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, तो क्या इन्हीं में चलती रहेगी क्या जिंदगी हमारी? ठीक है, आप लोग को जो उज्ज्वल गैस योजना प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी गई वो मिला आप लोग? नहीं मिला, उन्होंने तो कहा है कि आप लोग को दिया गया है। और राजस्थान सरकार गहलोत सरकार से खुश है या नाराज है? हमारे लिए तो जो कुछ कर देगा हम तो उसके लिए खुश है, जो अच्छा करेगा हमारे हम उसके लिए खुश है, उसी के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं लड़ते हैं। सब अपने अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं। और ये अभी चुनाव में बहुत ढेर सारे वादे हो रहे हैं, महिला को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है, तो महिला क्या सोचती है इस बारे में? महिला महिला के बारे में सोचेगी, सोचेगी ना, किसी के आदमी किसी के रोजगार नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, कोई क्या मेहनत कर रहा है, कोई क्या मेहनत कर रहा है, पेट तो भर ही रहे हैं, चाहे कितना महंगा सामान। ठीक है सर, मतलब ये माना जाए कि राजस्थान में रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है, खाने कमाने में बड़ी दिक्कत। क्या करती हैं आप? जनाना में ठेके में। अच्छा, साफ सफाई। ठीक है, साफ सफाई का काम। आप क्या करती हैं? यही काम करते हैं। यही आपका, आपको भी यही काम? तीनों लोग आप लोग यही काम करते हैं। कितना इसमें कमाई हो जाती है? क्या कमाई होती है बता दिए ना, 5,000 मिलते हैं। 5,000 पूरे महीने के? पूरे महीने के, पूरे महीने। अच्छा अच्छा, जैसे गहलोत सरकार कह रही है कि हम जीतते ही साथ 10,000 रुपए महिला को प्रति माह देंगे, तो उससे आप लोग को फायदा मिलेगा? अगर मिलेगा तो आप बेचाएंगे तो फायदा मिलेगा ना, पैसे हाथ में आएंगे तो फायदा देखेंगे। उन्होंने कहा कि महिला के खाते में डायरेक्ट 10,000 आए नहीं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा आपकी जीतेंगे तो लाएंगे, तो लाएंगे तब देखेंगे, तब देखेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे योजना चल रही है 25 लाख कोई योजना दी जा रही है आप लोग के स्वास्थ्य के लिए, उसका लाभ मिल रहा है आप लोग को? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं, कोई महंगाई वहंगाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, इतना तो कमाते नहीं है, इतना तो महंगाई खा रही है। अच्छा, इतना ज्यादा है। तो ये हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं थी और जो अपनी बातें रख रही थी कि रोजगार को लेकर काफी नाराज हैं, और भी लोग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है माहौल। नमस्कार, मैं हूँ अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।